हेलो एवरीवन, दिस इज़ कोमल दादवानी। वेलकम टू माय चैनल फूड मैजिक बाय कोमल। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है केक आइसिंग। किस तरीके से हम एक सिंपल से वनीला केक स्पॉन्ज को कन्वर्ट करेंगे एक ब्यूटीफुल से कॉर्नेटो लुक में, तो ये स्पेशली आइसक्रीम लवर्स के लिए केक। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आइसक्रीम लुक में केक को आइसिंग करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे एक वनीला केक स्पॉन्ज लिया है। ये स्पॉन्ज देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, मैं इसे पुश कर रही हूँ फिर से उठ जा रहा है। बहुत ही सुपर स्पंजी केक बना है हमारा। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं वनीला केक स्पॉन्ज की भी रेसिपी आपको बताऊँगी। ये मिल्क मेड के रिच फ्लेवर के साथ बना हुआ है। अब इस पर आइसिंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हम बड़ा नाइफ है हमारा केक आइसिंग वाला, उसकी हेल्प से मैं इसे कॉर्नेटो का शेप दूंगी। एक कॉर्न जो सॉफ्टी आती है उसके शेप में मैं ये क्रीम लगा दूंगी। ये मैंने व्हिप्ड क्रीम अपने बैग में भर दी है, पाइपिंग बैग में, और इसे मैं इस तरीके से कॉर्नेटो शेप में कट कर दूंगी। ये अब मैं नाइफ ले रही हूँ, नाइफ की हेल्प से मैं इसे कट कर देती हूँ। ये हमारा केक स्पॉन्ज का सॉफ्टी शेप में कट हो चुका है। ये मैं आपको अभी दिखाती हूँ हमारा केक कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। ये देखिए जस्ट वाओ, ये रिच फ्लेवर के साथ है, मिल्क मेड के रिच फ्लेवर के साथ बना हुआ है। ये जो साइड्स हैं ये इस सॉफ्टी के ऊपर की आइसक्रीम बनाने में हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं इसके अंदर के फ्लेवर की तैयारी कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैं एक कप शुगर डाल रही हूँ। इसे मेल्ट होने दूंगी, सिर्फ शुगर ही लिया है हमने, उसे अच्छे से मिक्स करना है, मेल्ट होने देना है लो फ्लेम पे। ये बटर स्कॉच फ्लेवर देंगे हम हमारी सॉफ्टी वाला जो पोर्शन है उसको। ये देखिए हमारी शुगर मेल्ट हो चुकी है, अभी थोड़ी सी और बची, इसे भी हम प्रॉपर मेल्ट होने देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम रखिएगा ताकि आपकी शुगर जले नहीं, और बीच बीच में इसे चलाते भी जाना है, ऐसा ना हो कि एक साइड से शुगर जल जाए कहीं जगह से ज़्यादा पकने से। तो अच्छे से इसे मिक्स करते रहिए। ये हमारी शुगर मेल्ट हो चुकी है अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे हाफ ऑफ कप 50 ग्राम्स ऑफ अमूल बटर। यहाँ मैंने बटर लिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। ये हमारी कैरेमल सॉस हम रेडी कर रहे हैं, कैरेमल का बटर स्कॉच का फ्लेवर देंगे हम हमारे सॉफ्टी वाले पोर्शन में केक के। ये अच्छे से मिक्स हो गया है बटर और शुगर। अब इसमें मैं डाल रही हूँ एक कप फ्रेश क्रीम। इस फ्रेश क्रीम को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमारी सॉस में, और ये हमारी कैरमल सॉस बनके रेडी है। बहुत सुपर यमी बनती है सॉस, मस्ट ट्राई बटर स्कॉच केक, बहुत ही यमी लगता है। ये हमारी कैरमल सॉस रेडी है। अब मैं एक पैन में ड्राई फ्रूट्स डाल के उन्हें थोड़े रोस्ट कर दूंगी विदाउट एनी घी ऑयल और बटर, सिर्फ हमें इसे प्लेन रोस्ट करना है। ये देखिए हमारे ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इन ड्राई फ्रूट्स को एक बटर पेपर पे या आप किसी भी पेपर पे लेके उन्हें फोल्ड करके पेपर को इसे बेलन की हेल्प से मैं इसे थोड़ा क्रश कर दूंगी। मुझे छोटे छोटे पीसेस चाहिए मुझे। ये हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से हम क्रश कर देंगे। ये देखिए हमारे ड्राई फ्रूट्स क्रश हो चुके हैं। अब हम कैरेमल क्रंच बनाएंगे, उसके लिए फिर एक पैन में मैंने एक कप शुगर लिया है, इसे अच्छे से मेल्ट होने दूंगी। बी केयरफुल, बीच बीच में चलाते भी जाना है ताकि हमारी शुगर जले नहीं। ये देखिए अब हमारी शुगर अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब मैं इसमें डालूंगी हाफ ऑफ कप 50 ग्राम्स ऑफ बटर, और इस बटर को अच्छे से मिक्स करना है। कैरेमल क्रंच बनाने के टाइम पे हमें फ्रेश क्रीम का यूज़ नहीं करना है, हमें सिर्फ शुगर को मेल्ट करके उसमें बटर डालना है, और उसके साथ हमारे जो ड्राई फ्रूट रोस्ट किए हुए थे ये वो डाल दूंगी मैं, क्रश्ड ड्राई फ्रूट्स, और इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इस मिक्सचर को एक बटर पेपर पर निकाल दूंगी इस तरीके से, और स्पून की हेल्प से इसे अच्छे से पुश करके इसकी एक प्लेन परत बना दूंगी।
और ये जब ठंडा हो जाए तब इसे अच्छे से बेलन की हेल्प से फिर से क्रश कर दीजिए, क्योंकि हमें कैरमल क्रंच चाहिए। ये छोटे छोटे से क्रंच हमारे रेडी हो चुके हैं। अब दूसरे वाले केक में हम चॉकलेट गनाश की आइसिंग करेंगे। तो चॉकलेट गनाश बनाने के लिए मैंने 1 कप फ्रेश क्रीम लिया है और 2 कप डार्क चॉकलेट लिया है। इसको मैं माइक्रोवेव में गर्म कर दूंगी। आप चाहें तो इसे किसी भी पैन में भी गैस पर भी गर्म कर सकते हैं डायरेक्ट। इसके लिए आपको डबल बॉयलर की नीड नहीं होगी। ये हमारा चॉकलेट गनाश गर्म हो चुका है, चॉकलेट एंड फ्रेश क्रीम, इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए चॉकलेट गनाश बनकर रेडी है। इसी तरीके से वाइट चॉकलेट गनाश भी मेरे पास पहले का बना हुआ पड़ा है, मैंने मॉर्निंग में ही बनाया था, तो वो भी आपको बनाना है। इसी तरीके से 1 कप क्रीम लेके 2 कप वाइट चॉकलेट लिया और उसके अंदर मैंने स्ट्रॉबेरी कलर मिक्स करके वाइट चॉकलेट गनाश भी रेडी किया है। अब इस गनाश में मैं थोड़ा सा 1/2 टीस्पून बटर डालूंगी ताकि इसमें शाइन अच्छी आ जाए। ये हमारा केक रेडी है, केक स्पंज रेडी है। ये ऊपर वाला जो है, साइड वाला जो है, इसको हमने ऊपर रख के आइसक्रीम का लुक देंगे। तो आइसक्रीम के लुक के लिए उसी शेप में हम कट करेंगे। ये जिस तरीके से ये आइसक्रीम का शेप होता है, जो भी सॉफ्टी के ऊपर हम आइसक्रीम रखते हैं उस अकॉर्डिंग, ये साइड के जो पोर्शन निकले इनका भी मैं यूज़ कर लूँगी केक बार्स बनाने में। और इसके ऊपर ये हमने दूसरा वाला पोर्शन लेके इसको भी इस पहले वाले से थोड़ा छोटे शेप में कट करेंगे, छोटी आइसक्रीम के शेप में से हम कट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से मेरा कट हो चुका है। फर्स्ट वाला पोर्शन थोड़ा बड़ा है और सेकंड वाला उससे थोड़ा छोटा। अब हम सबसे पहले हमारा जो कोन शेप है उस स्पंज को रेडी करेंगे। उसके लिए मैं इसे 3 पोर्शन में कट करूँगी। शिफॉन, ये 2 एंड ये 3। ये मेरे 3 पोर्शंस में केक स्पॉन्ज कट हो चुका है। ये सबसे पहले मैं थोड़ी व्हिप्ड क्रीम लगा लूँगी अपने बेस पे, उसके बाद इसके ऊपर केक स्पॉन्ज रखूँगी कॉर्न शेप वाला, और उसके ऊपर ये व्हिप्ड क्रीम लगा रही हूँ। व्हिप्ड क्रीम नॉर्मल किसी भी फ्रेश क्रीम को आप ब्लेंडर की हेल्प से व्हिप्ड कर दीजिए और उसमें थोड़ी सी आइसिंग शुगर डाल दीजिए। मैंने आइसिंग शुगर कम ही यूज़ की क्योंकि मैं कैरमल सॉस एंड गनाश यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे मीठा थोड़ा कम चाहिए क्रीम, इसलिए मैंने ये थोड़ा सा इसमें आइसिंग शुगर मिक्स किया है। अब इसके ऊपर क्रीम के ऊपर मैं डालूँगी ये मेरी कैरमल सॉस, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, इसे प्लीज़ ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और इसके ऊपर अच्छे से ये मैंने कैरमल सॉस लगा दिया और इसके बाद इस पर जो हमने ये कैरमल क्रंच बनाए थे ड्राई फ्रूट वाले क्रश किए थे, ये वो रख दूँगी मैं हमारे स्पॉन्ज पे। अब इसके ऊपर दूसरी वाली लेयर, ये सबसे ऊपर वाली लेयर है, इसलिए मैं इसको थोड़ा अपोजिट उल्टा साइड लगा के रखूँगी। और इसके ऊपर फिर से ये शुगर सिरप स्प्रे करूँगी। ये पानी स्प्रे करना ज़रूरी है, इसे आपका केक अगर आप नेक्स्ट डे भी कट करते हैं तो बहुत सॉफ्ट बना रहता है। पहले स्प्रे कर दीजिए वाटर स्प्रे या शुगर सिरप, आप दोनों स्प्रे कर सकते हैं, नॉर्मल वाटर भी स्प्रे कर सकते हैं। अब उसके बाद ये व्हिप्ड क्रीम की लेयर, अच्छे से व्हिप्ड क्रीम लगा दी। एंड उसके बाद ये हमारा कैरमल सॉस, उसके बाद कैरेमल क्रंच, और उसके बाद हमारे केक की 3rd वाली लेयर। इसके ऊपर जो मैं क्रीम लगाऊंगी वो होगी बटर स्कॉच क्रीम। सबसे पहले वाटर स्प्रे किया, उसके बाद मैं इस पर बटर स्कॉच क्रीम लगाऊंगी। व्हिप्ड क्रीम के अंदर मैंने कैरेमल सॉस को ऐड कर दिया है, इसलिए इसका कलर आपको थोड़ा डिफरेंट दिख रहा होगा व्हिप्ड क्रीम का। इसमें मैंने कैरेमल सॉस ऐड कर दिया है व्हिप्ड क्रीम में, उसे अच्छे से मिक्स करके मैं अपने केक के जो ऊपर लेयर है ये कैरेमल क्रीम की करूँगी। ये हमारी कैरेमल क्रीम है, इसको अच्छे से मैं अपने ऊपर वाले केक एरिया को कवर कर दूँगी, अच्छे से। आपका ऊपर वाला केक स्पॉन्ज पूरे क्रीम से कवर होना चाहिए। अब ये इस पेपर की हेल्प से मैं इसे नाइस एंड फाइन लुक दूंगी ताकि क्रीम जो है हमारी पूरी एक सरीकी लेयर हो जाए, अलग अलग से ना दिखे। ये अच्छे से इसे स्केपर की हेल्प से मैंने इसे क्लीन लुक दे दिया है।
ये जहाँ से मुझे नीड लग रही है मैं वहाँ फिर से थोड़ी क्रीम लगा कर और इसे क्लीन लुक दे दूँगी। ये हमारा रेडी है नीचे का कॉर्न। अब कॉर्न रेडी है, उसके ऊपर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करनी है, तो मैंने एक पाइपिंग बेग में चॉकलेट गनाश भर दिया है। आप चाहें तो प्लेन चॉकलेट को मेल्ट करके भी ये डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, और इसके ऊपर ये मैं सॉफ्टी की डिज़ाइन चेकरबोर्ड बना दूँगी। अब हमें ऊपर के आइसक्रीम की तैयारी करनी है, तो हमने ऊपर वाला स्पॉन्ज लिया है और इसको 3 पार्ट्स में कट करूँगी। इसमें हम वाइट चॉकलेट गनाश का यूज़ करेंगे, पिंक फ्लेवर का रखेंगे इस केक को। हम सबसे पहले नीचे थोड़ा व्हिप्ड क्रीम लिया और इसके ऊपर केक स्पॉन्ज रख के अब इसे व्हिप्ड क्रीम से कवर करेंगे। इसको हम स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का रखेंगे, इसलिए मैंने वाइट चॉकलेट गनाश लगाया है, पिंक चॉकलेट गनाश है तो वाइट चॉकलेट गनाश, बट इसमें मैंने स्ट्रॉबेरी कलर मिक्स किया है, पिंक कलर। इसके बाद इस पे नेक्स्ट लेयर केक स्पंज की, और सेम प्रोसेस आपको फॉलो करनी है। पहले स्प्रे करना है वाटर, उसके बाद व्हिप्ड क्रीम लगानी है एंड अगेन वाइट चॉकलेट गनाश लगाना है। वाइट चॉकलेट गनाश और इसके बाद वापस थर्ड लेयर रखेंगे हम, और उस पर हम वाइट सिंपल व्हिप्ड क्रीम को कवर करके अच्छे से स्केपर की हेल्प से फाइन लुक देंगे, फाइन एंड क्लीन लुक देंगे अब हम इसे। ये हमारा सेकंड लेयर केक का सेकंड फ्लेवर रेडी है। अब ये थर्ड फ्लेवर रेडी करने के लिए हमने थर्ड वाला केक स्पॉन्ज लिया है, उसको भी 3 पार्ट्स में कट कर दिया है, और इस पर भी सेम प्रोसेस। सबसे पहले वाटर स्प्रे एंड देन उसके बाद व्हिप्ड क्रीम से इसे कवर करेंगे, फिर चॉकलेट गनाश लगाएंगे हम इस पर। ये हमारा डार्क चॉकलेट गनाश है, इसके ऊपर थोड़ी चोको चिप्स रखी, आप कोई भी फ्लेवर इस तरीके से दे सकते हैं अपने केक को। मैंने 3 फ्लेवर का केक बनाया, बटर स्कॉच एंड चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी, 3 फ्लेवर का मेरा ये केक है। ये अगेन व्हिप्ड क्रीम, इसके ऊपर चॉकलेट गनाश एंड ये चोको चिप्स, और ये थर्ड लेयर। अब मैं इसके ऊपर से क्रीम नहीं लगाऊंगी, इसे मैं फुल चॉकलेट रखती हूँ इस पोर्शन को। ये हमारा जो पार्ट होगा केक का वो फुल चॉकलेट से होगा, थोड़ा सा क्रीम इसमें मैंने मिट में यूज़ किया है। ये ऊपर से मैं इसको डायरेक्ट गनाश से कवर कर रही हूँ। ये हमारा जो पोर्शन होगा केक का वो पूरी चॉकलेट फ्लेवर का होगा, क्योंकि ऊपर से हमने क्रीम का यूज़ नहीं किया है, पूरा चॉकलेट गनाश से हम इसे कवर कर रहे हैं। हमारा केक 3 फ्लेवर्स का होगा, फुली फ्लेवर केक है हमारा। फर्स्ट वाला पोर्शन जो है कोन का शेप वो बटर स्कॉच, सेकेंड वाला स्ट्रॉबेरी एंड थर्ड वाला चॉकलेटी। ये हमारे 3 फ्लेवर के केक बनकर रेडी हैं। बटर स्कॉच तो पूरा कंप्लीट है, बट सेकेंड एंड थर्ड वाला अभी हमें कंप्लीट करना है। सेकेंड वाले को मैं स्ट्रॉबेरी लुक दे रही हूँ, इसलिए मैंने एक पाइपिंग बेग में स्ट्रॉबेरी कलर की व्हिप्ड क्रीम ली है, मीन्स व्हिप्ड क्रीम के अंदर पिंक कलर मिक्स कर दिया है, और उस पिंक व्हिप्ड क्रीम से मैं फ्लावर की शेप बना रही हूँ पाइपिंग बेग की हेल्प से। और हमारी जो ये सेकेंड आइसक्रीम वाला केक का पोर्शन है, उससे मैं पिंक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का बनाऊंगी। इस तरीके से देखिए कितनी ब्यूटीफुल सी आइसिंग हुई है। अब मैं इसके ऊपर वाइट कलर की चोको चिप्स भी स्प्रिंकल कर दूंगी, उससे भी डेकोरेट कर दूंगी। और ये जो थर्ड वाला पोर्शन है वो है हमारा चॉकलेटी। जैसे मैंने पहले कहा था कि इसको मैं फुल चॉकलेटी रखने वाली हूँ, तो मैंने ऊपर आइसिंग में चॉकलेट गनाश का यूज़ किया है। चॉकलेट गनाश अभी थोड़ी देर पहले बनाया था हमने, इसलिए वो थिक हो चुका है, तो उससे अच्छे से पाइपिंग बैग में कवर करके गनाश को। और ये हमारे फ्लावर बन गए, इसके ऊपर ये हमारी ब्लैक चोको चिप्स भी आ गई, और ये हमारा कॉर्नेटो शेप का या सॉफ्टी शेप का आइसक्रीम लुक का केक बनकर बिल्कुल रेडी है। मैं हमेशा पूरी ट्राई करती हूँ कि मैं कोई भी रेसिपी अपनी क्रिएटिविटी के साथ आपके सामने प्रेजेंट करूँ। आई होप आपको मेरी ये केक आइसिंग की टेक्निक पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।